इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो वक्त आया तुमसे फायदा उठाने का। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, दूर आ जाओ, हाथ में लगा मुझे। शोहर हूं मैं, हक रखता हूं। उमर मुझे छोड़ो, तुम मुझे 8 सालों तोड़ चुके हो। तुम दुनिया वालों की नजर में अभी भी शोहर हूं मैं तुम्हारा। उमर बकवास मत करो, वरना क्या, हाँ चिल्लाओ भी, जोर से चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, यहाँ पर कोई तुम्हारी आवाज सुनने को नहीं है। तुम्हारी भूल है, रायान और बड़े अब्बा मुझे पाताल में से भी ढूंढ लेंगे। रायान रायान क्यों ढूंढने आएगा तुम्हें? हाँ वो तो अपनी नई वाली के साथ बिल्कुल आराम से बैठा होगा। वैसे वैसे बहुत तरस आता है मुझे तुम पर यार, बड़ा गलत हुआ तुम्हारे साथ। मैंने तो सोचा था कि शायद रायान तुम्हें अपना लेगा, लेकिन उसने भी तुम्हें हरी झंडी दिखाई। और मामला नहीं है, बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी तुम आराम करो, सारे दिन का थक गई होगी ना। कल बात करेंगे। कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ सफिया पा। रयान को साथ जाने की क्या जरूरत थी, वो तो पहले ही इतना जज्बाती है, तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था ना। अरे सफिया पा, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पूरे घर वालों को रोशनी की इतनी फिक्र क्यों है? उमर अपनी बीवी को साथ लेके गया है। मैं भी इसी बात पे हैरान हूँ कि अब्बा जी इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अल्लाह जाने, अब्बा जी तो उमर का नाम सुनना भी गवारा नहीं कर रहे। तुम्हें अकेले कुछ बताया? नहीं तो? एक तो जब से ये लड़की इस घर में आई है, सबका जीना हराम करके रखती है। हर रोज नई टेंशन, हर रोज नई टेंशन। तुम जरा फोन लगाओ।